चंडीगढ़ विच चर्चा का विषय रहे सिप्पी सिद्धू कतलकांड विच सीबीआई वालों दोषी ठहराई गई कल्याणे सिंह नूं मोहाली अदालत ने जेल भेज दिता है। इस मामले की अगली सुनवाई हुण 5 जुलाई नूं होवेगी। चंडीगढ़ विच होए सिप्पी सिद्धू कतलकांड की मुख मुलजम ठहराई गई कल्याणी सिंह नूं सीबीआई ने 2 दिन पहला ही मुड़ रिमांड ते लिया सी। हालांकि उदों सीबीआई ने कल्याणी का 7 दिन का रिमांड मंगिया सी, पर अदालत ने सिर्फ 2 दिन का रिमांड ही दिता सी, जो अज खत्म हो रहा सी। अज कल्याणी सिंह नूं मोहाली अदालत दे विच पेश किया गया, जिस तों बाद अदालत ने उसनूं जेल भेज दिता है। हिमाचल दे सिटिंग जज दी धी कल्याणी सिंह ते सिप्पी सिद्धू दे कतल दा इल्जाम है। सीबीआई ने कौमी पद्धर दे शूटर अते वकील सिप्पी सिद्धू दे कतल केस विच पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट दे साबका जज दी धी नूं गिरफ्तार किया है ते इस कतल दे मामले दे विच मुख दोषी बनाया है। कल्याणी नूं एतवार नूं चंडीगढ़ दी स्पैशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट दी अदालत विच पेश किया गया सी ते 2 दिन दे पुलिस रिमांड ते भेजिया गया सी ते अज इस दी मोहाली कोर्ट दे विच दोबारा पेशी सी। तुहानूं दस दईए कि सिप्पी सिद्धू दा 20 सितंबर 2015 नूं कतल होया सी ते रात नूं करीब 9 बजे कौमी निशानेबाज सुखमनप्रीत सिंह उर्फ सिप्पी सिद्धू दी लाश चंडीगढ़ दे सैक्टर 27 स्थित पार्क विचों मिली सी। सुखमनप्रीत नूं 4 गोलियां लगियां सी। पुलिस विभाग ने इस मामले दे विच विशेष जांच टीम भी बनाई सी, पर फिर भी कातलां दे सुराग नहीं मिल सके सन। इस तों बाद केस सीबीआई नूं ट्रांसफर किया गया सी। जांच दे दौरान सीबीआई नूं इस मामले दे विच किसे औरत दी भूमिका होण दे सबूत मिले ते उसे आधार ते कल्याणी सिंह नूं मुख मुलजम बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द कालस टीवी।